नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आजसू पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में पार्टी की मजबूती को लेकर सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन लोग पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गए हैं। इसी क्रम में आजसू पार्टी ने देश में होने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिसकी पहली कड़ी में इन दिनों लगातार आजसू कार्यालय में देखने को मिल रहा है। जहां आज आदिल अजीम अपने सैकड़ों की संख्या में घर वापसी किए, उन्होंने बताया कि आज मेरा घर वापसी हुआ है, किसी कारणवश मैं भटक गया था, लेकिन एहसास होने पर पार्टी का दामन थामा था। साथ ही उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करेंगे। आप देखे होंगे कि कोई भी आंदोलनकारी और इसमें किसी तरह इधर उधर हो गया, लेकिन जो एक बार आसिंग आ चुका उसका हृदय, उसका रूह, उसकी आत्मा वो आसू में बस जाती, वो कहीं दूसरे जगह नहीं टिक पाता। इसलिए फिर से मैंने घर वापसी की है, अपने झारखंड के लोगों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए, अपने तमाम लोगों के लिए, जो झारखंड हित में बेहतर काम हो सकेगा तो वो आजसू पार्टी है। इसलिए मैंने फिर से घर वापसी की है ताकि अपने लोगों के लिए बेहतर काम करें। संगठन की मजबूती के हित में बड़ा योगदान होगा, उसकी बार वापसी भी आदरणीय अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा मैं फुलफिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और बेहतर ढंग से। इस बार मैं मांडा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि अधिवेशन में भी मांडा विधानसभा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करें, इसकी तैयारी करूँगा।